और हमारी जनता सब बढ़िया। तो लेके आ चुके हैं नई मूवी। नई मूवी है ड्रीम लवर। और इस मूवी में एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद भी एक औरत दूसरे मर्दों के साथ अफेयर रखती है, और जब उसके पति को पता चल जाता है ये सब के बारे में तो वो फिर क्या करता है, इसके लिए आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा देखना होगा। और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो शुरू कर लेते हैं मूवी। तो मूवी के स्टार्ट में हम रे को देखते हैं। रे एक आर्किटेक्ट होता है और वो काफ़ी अमीर भी होता है। उसकी वाइफ आज कोर्ट रूम में होती है क्योंकि वो उसे डिवोर्स दे रही होती है। उसकी वाइफ का दूसरे लड़के के साथ अफेयर था तो आज वो उसे डिवोर्स दे रहा था। और फिर डिवोर्स होने के बाद वो अपने दोस्तों को पार्टी देता है जहाँ उसके दोस्त उसे दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें मना कर देता है। फिर एक दोस्त नॉर्मन नाम का रे के पास उधार मांगने आता है और रे उसे उधार पैसे दे देता है। फिर जाते वक्त वो रे से कहता है कि उसने एक आज पार्टी रखी है और उसमें तुम्हें भी आना है, और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी पसंद की है, वो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। और शाम को वो पार्टी में जाता है रे, और फिर वहाँ वो उस लड़की से मिलता है। मिलते ही वो लड़की रे के साथ फ्लर्ट करने लगती है। रे वहाँ से उसे छोड़कर चला आता है और यहाँ पर वो एक लीना नाम की लड़की से टकराता है, और उससे टकराता है जैसे तो उसके ड्रेस में वाइन गिर जाती है। तो वो लीना उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद लीना रे को एक शॉपिंग मॉल में मिलती है और रे को उस दिन के लिए वो सॉरी बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रे उसके पास जाता है और चांस मारते हुए उसे डेट के लिए पूछता है, और लीना हाँ बोल देती है। और फिर वो डेट में एक रेस्टोरेंट के जाते हैं जहाँ वो बात करते हैं काफ़ी, और फिर रे उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन रे फिर उसे मिलने उसके घर जाता है तो रे को वो बोलती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। तो रे उसे बोलता है कि वो भी उसे पसंद करता है। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और फिर उसके बाद वो इंटीमेट भी होते हैं। कुछ महीनों तक रिलेशन ऐसे चलता रहता है, फिर वो शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों के बाद उनका एक बच्चा होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रे और लीना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ एक लेडी लीना को सीसी नाम से बुलाती है, पर वो उससे कहती है कि मैं लीना हूँ सीसी नहीं। तो उस लेडी को भी लगता है कि वो शायद मुझसे गलती हो गई, तो वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो लीना रे से कहती है कि ये मेरे साथ तीसरी बार है, शायद उसी की जैसे दिखने वाली कोई लड़की जिसका नाम सीसी है और वो उसे सीसी समझ रहे हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। रे एक दिन घर आता है और वो उसे किसी से प्यार से बात करते हुए देखता है, तो वो उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। उसी रात रे उससे इंटीमेट होने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। उसके बाद रे अपने क्लाइंट के सेक्रेटरी से बात करता है। वो फिर कॉलेज की बात करने लगते हैं दोनों। फिर जैसे ही वो लेडी कॉलेज का नाम बताती है तो रे कहता है कि उसमें तो मेरी वाइफ लीना भी पढ़ती थी। तो लेडी कहती है कि मैं कोई लीना वीना की नाम की लड़की को नहीं जानती थी, ना ही वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। वो बताती है कि हमारे कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारे कॉलेज में जब प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे थे तो वो एकदम हार्ट अटैक से मर गए थे। रे जब घर जाता है तो वही यही इंसिडेंट लीना के साथ शेयर करता है। वो कुछ और ही बताती है। फिर रे समझ जाता है कि लीना मुझसे झूठ बोल रही है। रे को अब उसके ऊपर शक होने लगा था। और फिर जब वो नहाने के लिए अपने वॉशरूम में जाती है तो उसका पर्स चेक करता है, उसमें उसे एक होटल का कार्ड मिलता है। और तभी लीना वहाँ पर आ जाती है। वो पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो वो उससे कहता है कि मेरे पास कैश नहीं था इसीलिए वो उसमें से ले रहा था। उसमें बाद वो लीना की फ़ोटोज़ लेके उसके होम टाउन जाता है। बाद में वो एक आदमी से मिलता है जिसे वो फ़ोटो देखा कर बोलता है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये सीसी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले। और फिर उसका वो प्लान बताता है। वो बताता है कि सीसी का प्लान था कि वो एक अमीर आदमी से शादी करेगी और फिर उसका पैसा लेकर भाग जाएगी। और फिर जब वो उसके घर का एड्रेस देता है, फिर वो लीना के माँ के घर जाता है और लीना की मॉम रे को पहचान जाती हैं, और इससे पता चलता है कि वो अपनी मॉम से अभी भी कांटेक्ट में थी। उसके बाद वो लीना के डैड से भी मिलता है
और उनके पेरेंट्स को लीना से मिलाने अपने घर ले आता है और लीना उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो उसी रात रे के साथ एंटीमेट होती है और फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये सब सच बताना चाहती थी पहले ही, पर ये सच सुनकर तुम मुझे कहीं छोड़ ना दो, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन में मारा करते थे। और उसके बाद रे और लीना उसके पेरेंट्स को सी ऑफ करने जाते हैं और फिर वहीं लीना रे से माफ़ी मांगती है और उसके बाद वो उसे किश करती है। उनके बीच में सब ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और लीना को फिर वो किसी से ऐसे ही प्यार से बात करते हुए देखता है, तो वो उससे पूछता है, तो वो बताती है कि लीना की वो मेरी फ्रेंड है जिससे मैं बात कर रही थी। अगले दिन रे घर पर फ़ोन लगाता है पर कोई पिकअप नहीं करता है, तो रे समझ जाता है कि लीना घर से बाहर है। और जब वो घर आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। तो उसे यकीन नहीं होता, तो लीना अपने फ्रेंड को कॉल लगा कर रे को देती है पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तो रे समझ जाता है कि लीना मुझे धोखा दे रही है, पर लीना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। रात को वो उसके साथ इंटीमेट होती है और थोड़ी देर के लिए मामला शांत हो जाता है। और फिर रे अगले दिन लीना की फ्रेंड से मिलता है, तो वो उसे बताती है कि मुझे लीना ने पैसे दिए थे अपने साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। और फिर रे लीना को पार्क में बुला लेता है और फिर वो उससे सच सच पूछता है कि हाँ बताओ ये सच क्या है। तो ये बताती है कि ये दरअसल मेरी दोस्त नहीं है और दरअसल हम एक पार्टी में मिले थे और ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये मेरा ही प्लान था। और फिर रे शॉक हो जाता है और फिर वो रे लीना के क्रेडिट कार्ड का बिल देखता है। लीना हर वेडनेसडे होटल जाती थी एक, और उसे याद आता है कि जब वो एक पर्स चेक कर रहा था उसका, तो एक होटल का कार्ड मिला था। तो वो उस होटल में फ़ोन लगा के पूछता है, तो लीना के बारे में बताती है कि वो अभी अभी वहाँ से निकली है। रे उससे घर जाकर पूछता है कि सच सच बताओ कि बात क्या है, तो वो बताती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो तुम्हारा दोस्त ही है। पर पूछने पर वो उसका नाम नहीं बताती, उसे लगता है कि उसका अफेयर नॉर्मन के साथ चल रहा है। पर जैसे ही वो उसके घर जाता है तो नॉर्मन वहाँ पर नहीं होता, बल्कि पुलिस उसका इंतज़ार कर रही होती है और वहाँ लीना भी होती है जिसने खुद को ही चोट पहुँचा कर रे के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया होता है। वो रे को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं और कुछ दिन बाद रे कोर्ट में आता है जहाँ लीना साबित कर देती है कि उसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस मतलब मारपीट की थी। रे ने पहली बीवी के ऊपर भी हाथ उठाया था, तो उसे मेंटल समझते हैं वो लोग और उसे पागलखाने भेज देते हैं। वहाँ पर रे उसकी एक फ्रेंड से मिलता है जिसको रे बताता है कि उसके हस्बैंड का लीना के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो लीना को कॉल करके बताती है कि उसके भागने के प्लान में कोई कमी है, तुम पकड़ी जा सकती हो। तो वो रे से मिलने आ जाती है जहाँ पर रे उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था, तुमने मुझे पागल भी साबित कर दिया, पर यहीं तुमने गलती की और पागल कुछ भी कर सकता है। और वो रे का गला दबाकर वहीं पर मार डालता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे नोटिफिकेशंस को ऑल कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मैं हूँ ये यूज़र नेम आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।